ग्वालियर जिले के एसएएफ सिपाही सुनील यादव उर्फ बाहुबली अपने खतरनाक स्टंट के लिए काफी फेमस हैं। सुनील अपने दांतों से 5 कारों को खींच लेते हैं। बता दें कि 26 जनवरी को सुनील ग्वालियर में अपना हुनर दिखाने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद के रहने वाले सुनील यादव सिपाही हैं, जो इन दिनों ग्वालियर के एसएएफ की 14वीं बटालियन में पदस्थ हैं। आईजी के दफ्तर में अपनी ड्यूटी पर तैनात सुनील बाहुबली के नाम से जाने जाते हैं। एसएएफ सिपाही सुनील यादव ने 2016 में एक स्कूटर को अपने दांतों से खींचा। उसके बाद सिपाही सुनील बाहुबली ने एक उंगली से टाटा 460 ट्रक को खींचा, अपनी कमर के ऊपर से स्कॉर्पियो कार निकलवाई, अपने दोनों हाथों से 14 बाइक और 2 बुलेट बाइक भी रोका। भविष्य में उनका सपना एक साथ 8 कारों को अपने दांतों से खींचने का है। सुनील ने गणतंत्र दिवस परेड के मुख्य कार्यक्रम में अपने कौशल को प्रदर्शित करने के लिए वरिष्ठ अधिकारियों से अनुमति मांगी है। फिलहाल वो रोजाना एसएएफ ग्राउंड पर प्रैक्टिस कर रहे हैं। उनका कहना है कि पंजाब के एक स्टंटमैन को उन्होंने यूट्यूब के जरिए देखा था। उनका कहना है कि पंजाब का यह जवान स्टीलमैन के नाम से प्रसिद्ध है, वह इस तरह के करतब करता है। मेरे को ये प्रेरणा यूट्यूब से स्टील मैन करके एक पंजाब में वो ऐसे कर्तव्य करता था, उससे ये प्रेरणा मुझे मिली। क्या उद्देश्य था आपका? उद्देश्य कुछ नहीं है, उद्देश्य बस ये है कि आगे चल के हर कोई जिम करना चाहता है, कोई किसी तरह का वर्कआउट करना चाहता है, हर किसी तरह करना, तो मैं सोचा कि मैं कुछ हटके करूँ, तो मैं इस तरह के मैं चालू कर दिया। फिर मैंने क्या कब क्या पोस्ट ज़्यादा आगे जाएंगे? लक्ष्य ये है कि मैं किसी में अपना ड्रीम वर्ल्ड जो होता है उसमें मैं अपना नाम लिखवाना चाहता हूँ बस। अभी आप कितनी गाड़ियाँ? अभी मैं जो कल का किया था मैंने उसमें 5 गाड़ियाँ खींची हैं। और पहले भी कई स्टैंड, इससे पहले कई तरह के कर चुका हूँ, जैसे दांत से 5 गाड़ी खींचने का तो यही है। इसके अलावा अपने हाथों से 14 गाड़ियाँ रोकी हैं मैंने अभी तक, और अपने सीने के ऊपर से स्कॉर्पियो गाड़ी निकलवाई है अभी तक। अपने सीने पर पत्थर रख के हथौड़े से तोड़वाया है, 1.5 क्विंटल का पत्थर रख के, और एक उंगली से स्कॉर्पियो खींची है, टाटा 400 एक उंगली से खींचा है मैंने, और ऐसे कई तरह के हैं।